पुलिस ने मोहाड़ी और आंदलगांव पुलिस थाने के तहत शराब विक्रेताओं के अवैध व्यवसाय पर छापेमारी कर 16,600 रुपयों का माल जब्त कर लिया और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को सूचना मिली कि मोहाड़ी थाना अंतर्गत शराब बेची जा रही है। पुलिस ने शराब बेचते हुए प्रमिला गोपीचंद शेंडे उम्र 50 वर्ष को पकड़ा। उसके पास से 600 रुपये की शराब जब्त की और मामला दर्ज किया गया है। आंदलगांव पुलिस ने रोंगा में दोपहिया वाहन से शराब ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नरेंद्र राजकुमार वाघाड़े उम्र 30 वर्ष और मच्छिंद्र राजकुमार वाघाड़े उम्र 28 वर्ष दोपहिया क्रमांक MH36F0868 से शराब की ढुलाई कर रहे थे। पुलिस ने बाइक का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। इस समय एक रबर ट्यूब में 10 लीटर महुआ फूल की शराब ढोई जा रही थी। उसके पास से 1,000 रुपए की शराब और 15,000 मूल्य का एक दोपहिया वाहन जब्त किया गया है।